फ्रेंड्स, हुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक रेसिपी लेके आए हैं, तो देख लीजिए। आज हम आपके लिए दही चिकन लेके आए हैं। बहुत टेस्टी और यमी रेसिपी बनती है, बिल्कुल हमने घर में ट्राई कर चुके हैं। तो उसके लिए हमने देख लीजिए क्या क्या लिया है। आधा किलो हमने चिकन ले लिया है और एक कटोरी हमने दही ले ली है। मसालों में देख लीजिए, एक चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, एक चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने मिर्च ली है, एक चम्मच हमने नमक लिया है, आधा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है और आधा चम्मच हमने ये चाट मसाला लिया है और थोड़ी सी हमने हल्दी ली है। तो ये दोस्तों, ये सब चीज़ें तो हमारी इसमें तलेंगी चिकन में, और इसको मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए रखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम ये सब चीज़ें डालते हैं इसमें। तो देखिए, हमने ये दही डाल दिया है इसमें और देखिए मसाले डाल दिए हैं, और अब इसे मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, हम फिर ग्रेवी की तैयारी। ग्रेवी का देख लीजिए, ये हमने दो प्याज चॉपर में काट ली है। आप चॉपर में काट भी सकते हैं या आप पीस सकते हैं। तो हमने ये चॉपर में काटी हैं दो प्याज़ें, और ये आधा चम्मच हमने ये ज़ीरा लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने एक से डेढ़ चम्मच, एक चम्मच हमने ये इसका देखिए पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, आप पेस्ट बना सकते हैं या आप घिस सकते हैं कद्दूकस में। और ये हमने कम तीखी मिर्ची ली हैं, हमें पांच से छह मिर्चें हैं ये, जो हमने चीरा लगा लिया है, एक के दो कर लिए हैं, ये हमारी खेत की मिर्चें हैं। आधा नींबू लिया है और दालचीनी के टुकड़े लिए हैं हमने दो तीन, देखिए हमारे पास छोटे छोटे हैं ये लिए हैं, और इलायची ली हमने छोटी, ये देखिए। तो ये हमारा सब सामान ग्रेवी का है। तो आइए दोस्तों, बनाते हैं दही चिकन। तो ये हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है और ये हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और छोटी इलायची और दालचीनी और इसको होने देंगे। तो देखिए, हो गया है हमारा। और अभी हम ये प्याज डालेंगे इसमें। तो देखिए, हमने प्याज डाल दी है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए, हम जितने प्याज फ्राई करेंगे हम उतने आपको दिखा देंगे कि हमें आप कितनी प्याज फ्राई करनी है। हमारे प्याज हो रही है, हो गई है मतलब। और अब इसमें हम जावित्री भी डाल देंगे, ये देखिए थोड़ी खुशबू आ जाएगी। आप चाहे डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी प्याज हो गई है। अब इसमें हम ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और ये टमाटर डालेंगे, टमाटर प्यूरी, और ये देखिए हरी मिर्चें डाल देंगे, और थोड़ी सी हम बचा लेंगे, और ये नींबू और हरी मिर्च हम बाद में डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, पहले थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए। ये देखिए, और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये हमारा अच्छी तरह से भून गया है, और अब इसमें हम ये मैरिनेट करा हुआ, हमारा आधा घंटा हो गया है, ये चिकन हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। और अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। देखिए, हमने ढक दिया है और आँच को स्लो कर दिया है बिल्कुल, ताकि हल्की आँच में 10 मिनट तक पक जाए, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। इसे हम बीच बीच में खोल के देखते रहेंगे। तो ये देखिए, हम खोलते हैं, ये देखिए। तो बीच बीच में हम खोल के इसे पलटते रहेंगे, ये देखिए।
ये हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। ये देखिए दही ने पानी छोड़ दिया है और अभी चिकन हमारा हुआ नहीं है, फिर इसे हम ढक के रख देंगे। हम खोल लेते हैं, हमारे 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और अब इसे अब तेज़ आंच करके हम भून लेंगे। इसे भून लेंगे, तेज़ आंच करके भून गया है देखिए। और आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, नहीं तो हम इतनी ग्रेवी बहुत बढ़िया है देखिए, इतनी गाढ़ी गाढ़ी है ये देखिए। और आपको अगर शोरबा चाहिए तो इसमें पानी डाल सकते हैं। हमारा चिकन बन के तैयार हो गया है दही चिकन, और अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं हम। ये देखिए, और इसके ऊपर से हम ये डाल देंगे नींबू। ये देखिए पूरा आधा नींबू निचोड़ देंगे हम इसमें, और हम आपको डिश आउट करके हमारा दही चिकन बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा टेस्टी और यमी और दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें शोरबा के लिए पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है और हमने ये गाढ़ा गाढ़ा रखा है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक नई रेसिपी के साथ फिर हम हाज़िर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।